सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पड़ी 237 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई की अगली तारीख 9 अप्रैल को दी है। वहीं केंद्र सरकार से 3 हफ्ते के भीतर जवाब भी मांगा है। अब इस मामले में 9 अप्रैल तक का इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीएए की याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने सीजीआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में मंगलवार को तगड़ी बहस की। हालांकि तुषार मेहता ने भी उनको जवाब तो दिए, लेकिन कपिल सिब्बल की तगड़ी दलील के सामने तुषार मेहता फीके पड़ते नजर आए और इस मामले के लिए थोड़ा और वक्त तक मांग लिया। चलिए जानते हैं कि कपिल सिब्बल ने सीए के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान क्या तगड़ी दलीलें पेश की और तुषार मेहता ने क्या जवाब दिए। सीजीआई के बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार की तरफ से दलील पेश कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल दागे कि सीए के पारित होने के तकरीबन 4 साल के बाद इसके रूल्स को नोटिफाइड करने की अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी। सिब्बल ने एक सवाल और दागा कि आखिर 4 साल के बाद सीए को लेकर सरकार ने इतनी जल्दी क्यों मचा रखी है। फिर सिब्बल ने सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने दलील भी दी कि अगर सिटीजनशिप की कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है और उसके तहत लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है तो इसे फिर से बदला नहीं जा सकता है, इसलिए इस प्रक्रिया को शुरू ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियमों के मुताबिक एक बार जब किसी को नागरिकता दे दी जाएगी तो इसको वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने सीजीआई की बेंच से मांग कर डाली इसी वजह से तत्काल इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी जाए। सिब्बल ने सीजीआई की बेंच को ये भी जानकारी दी कि इसके तहत कुछ लोगों को नागरिकता दे भी दी गई है, ऐसे में अगर सीएए के नोटिफिकेशन पर रोक नहीं लगाई गई तो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी इन याचिकाओं का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। कपिल सिब्बल की इन दलीलों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिए। तुषार मेहता ने कहा कि किसी को नागरिकता मिले या फिर ना मिले, याचिकाकर्ताओं पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुषार मेहता ने सीजीआई की बेंच को ये भी बताया कि सीए के खिलाफ 237 याचिकाएं पड़ी हैं, जिन पर हमें अपना जवाब दाखिल करना है, इसलिए कोर्ट से गुजारिश है कि उन्हें वक्त दिया जाए। मेहता ने सिब्बल को जवाब दिया कि केवल आपके विवेक को संतुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है, हम अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं। मेहता ने ये भी दलील दी कि मैं केवल पेटिशनर्स की याचिका दाखिल करने के अधिकार क्षेत्र को चैलेंज कर रहा हूँ। हालांकि कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस तगड़ी बहस के बाद सीजीआई की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 अप्रैल को दे दी, जिसमें केंद्र सरकार को ये भी आदेश दिए हैं कि वो 8 अप्रैल तक अपने जवाब दाखिल कर दें। बहरहाल अब देखने वाली अहम बात ये होगी कि केंद्र सरकार सीएए पर क्या जवाब दाखिल करती है और सुप्रीम कोर्ट इस पर 9 अप्रैल को क्या रुख अपनाता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।